भाई भाई सामने ओ भाई साहब भाई लड़की पीछे रोशनी हो रही है बहुत गंदी वाली भाई देख दिन में भी रोशनी दिख रही जैसे लग रही भाई देख उधर गुस्सा हो रही है देख तेरी जय हिंद दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आप सभी का कुछ तो ऑफिशियल पे यार। जो मेरे प्यारे भाई बहन यार उन सभी को यार मैं दिल की गहराई से ढेर सारा प्यार, और जो मेरे से बड़े हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले यार सब आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने यार मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहन है जो मेरे माता पिता समान है, जो मेरे हम उम्र मेरे साथी है, उन्होंने बर्थडे विश किया। उनको मैंने वापस रिप्लाई नहीं दे पाया यार आपका भाई, और ना ही वीडियो आ रही दो तीन दिन से, क्योंकि रीजन ये था मैं कहीं जा रहा था फैमिली को लेके और मेरा एक्सीडेंट हो गया था भाई, यहाँ पे लगी हुई है पाम, इसलिए मैं ऊपर करके दिखा दो भैया, विश्वास तो होना चाहिए लोगों को भाई कहाँ गिरे, हो ही नहीं सकता ना भाई, ये टाइट है यहाँ से नीचे से, मैं वापस चाहता हूँ इसके लिए दोस्तों, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही है और नहीं आप लोगों को रिप्लाई दे पाया क्योंकि हालात ऐसे, अभी कपड़े भी ऐसे पहन रखे हैं तो फिर क्या करें, मजबूर है पहनने के लिए, पहनना पड़ता है, एडजस्ट कर लेना। तो आप सभी कमेंट आ रहे थे भैया आपकी वीडियो नहीं आ रही है, आपको हुआ क्या, आपके आखिर ना रिप्लाई आ रहा है वापस आपका सभी का यार, कई मेरे प्यारे भाई है मेरे प्यारे बहन उनका फोन भी आया मेरे पास कि भैया आपको वीडियो नहीं आ रही आपकी क्या हुआ आपको, तो उनको मेरे जो भी प्रॉब्लम थी वो शेयर करी मैंने वापस, उन्होंने यार एक ही बोला कि भैया आप जैसे भी किसी भी परिस्थिति में हो प्लीज़ भगवान आपका साथ दे, माता रानी आपका साथ दे, प्लीज़ वीडियो लेके आइए आप। तो यार आज ऐसी लोकेशन पर आए हम दोनों भाई नरेंद्र वापस, ये रास्ता है, ये रास्ता जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक दोस्तों यार बहुत बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे एक शमशान है, काफी सालों पुराना शमशान है यहाँ पे, यहाँ पे एक छोटे बच्चे होते हैं ना जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनका शमशान भी यहाँ पे, और एक जो बड़े बड़े होते हैं ना उनको उनका अंतिम संस्कार किया जाता है उनका भी शमशान है यहाँ पे। तो यार दोस्तों यहाँ पे गांव वालों का जो आसपास जो लोग रहते हैं उनका सभी कहना कि यहाँ पे आ रहा है ना एक से अधिक रूहें दिखाई देती है, बट एक रूह ऐसी है कि लोगों को आए दिन हानि पहुंचाती यहाँ पे आए दिन, जो कि गांव से लोग अपने भैंस बकरे या छाली वगैरह कुछ भी लेके आते हैं यहाँ पे गांव यहाँ पे अंदर, और यहाँ पे भावड़ी भावड़ी यहाँ पे पानी वानी पिलाने के लिए भी लेके आते हैं। तो कहा जाता है कि यार कभी कभी पत्थर गिरने की, कभी कभी रोने की, कभी कभी हंसने की आवाज आती है, और कभी कभी बार तो भाई सामने आके खड़ी हो जाती है वो। तो कई एक बुजुर्ग आदमी इसी गाँव का, उसका कहना है कि यार वो एक रूह ऐसी रूह है किसी को हानि नहीं पहुंची हालांकि अभी तक किसी ने, बट कुछ बताना चाहती है वो, उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है दोस्तों यार कि कुछ बताना चाहती है वो। तो एक सब्सक्राइबर है उसके द्वारा हम यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि भैया कुछ ऐसी रूह है हमारे गांव का, ये कहना है प्लीज उसकी उस चीज को जाके इन्वेस्टिगेट करिए और वो रूह बताना क्या चाहती है हमारे को यार। हमारे गाँव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना है कि ऐसी ऐसी कुछ चीजें होती है वहाँ पे, काफी सालों से हो रही है वो, अभी तक भी होती है, अभी तक वजूद है उन चीजों का, आखिर क्या वो पाबंद क्या है या उसको मतलब कि तांत्रिक द्वारा कैद कर रखा है या कुछ चीजें ऐसी ऐसी बात बताना चाहती है कि हमारे किसी को पता नहीं है अभी तक इस चीज को, इस चीज में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है वो आगे जाने के बाद ही पता चले गया। बट बुजुर्ग आदमी कहना है कि किसी रूह का कभी विश्वास मत करना, जाए तो अपनी सेफ्टी के साथ जाना क्योंकि अभी तक हमें हानि नहीं पहुंचाई हालांकि, बट आप नाइट को जा रहे हो तो आपका ध्यान रखना यार। सबसे बड़ी बात तो उसने बोला कि जहाँ से निकलो वहाँ पीछे मुड़कर कभी मत देखना, ये बात क्लियर है भाई, ध्यान रखना पीछे मुड़कर नहीं देखना कुछ भी हो जाए। चलते आगे लोकेशन पे विजिट करते हैं दोस्तों यार आखिर क्या होता है, बाकी जे घबरा रहा है क्योंकि जंगल के बीचों बीच है दोस्तों यार, चारों तरफ पहाड़ है यहाँ पे और जंगल है बीच के अंदर, वहाँ पे ये लोकेशन बहुत भयानक। चलते भाई आजा, और जिसने वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर देना,
और जो भी मेरे प्यारे भाई या मेरी प्यारी बहने जो भी नहीं है, आप सभी के चैनल है यार, आप ही के जो भी है, मेरा कुछ भी नहीं है। जितना हो सके वीडियो शेयर कर देना, और ये दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, उसके बावजूद आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ यार, इस मेहनत के लिए। तो लाइक कर ही देना वीडियो। अच्छा भाई ध्यान रखना। ये देख भाई यहाँ पे दिखा दे, ये देख दिखा दे, यहाँ दिखा भाई एक मिनट, गाड़ी टूटी हुई है ना, आराम से दिखा, ये देख। चलो भाई ध्यान रखना। ऑटोमेटिक अभी तो गाड़ी से एक मिनट चलता करने भाई वापस। अब देख अब चल रही है, देख अभी गाड़ी बंद हो रही थी नींद रह गया। ये रास्ता देख एक बार भाई, आने जाने के लिए तो 1% का रास्ता नहीं है भाई। नहीं है भाई, रास्ता बंद है काफी दिनों से, कोई आता जाता ही नहीं है भाई यहाँ पे। बंद होने का कारण ये कि है भाई यहाँ पे कि वो ये जो चीज है ना यहाँ की रूह है वो सामने आती है लोगों को भाई यहाँ पे। भाई 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 सामने, ओ भाई साहब, ओ लड़की लड़की है या लड़का? इतनी लंबी है भाई, भाई इसकी लंबी कितनी देख, लाइन देख, लंबी देख, लंबी कितनी है ये देख, हाइट देख इसकी कितनी भाई यार, ओ भाई साहब ये जगह रही है। कौन हो, कौन है भाई? अब इसे तो नंबर उसकी हाइट देखी तूने भाई यार? और बहुत ज्यादा हाइट है भाई, 7 फीट की हाइट थी उसकी यार। हाँ अगर ना भाई, हाँ चलो तो किधर एक बार ये भैया छोटे बच्चों का शमशान है। एक मिनट नंदर आ गया। ये रहा शमशान है भाई, दूर 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 चप्पल आगे तो आगे। एक मिनट, मेरे हिसाब से नंदर ये शमशान की राख है भाई, जो ज्यादा हो जाती है ना भाई उसको साइड में रखते हैं ना भाई, वही चीज है। ये देख दिखाता हूँ भैया, क्लियर कर देते भाई। ये देखो हड्डियां पड़ी है भैया, अठा हुआ यार, आप क्यों छू रहे हो यार हड्डियां? क्या हो जाए अपने साथ यार, ये हड्डी पड़ी यहाँ पे, ये देखो रियलिटी देखो, ये पड़ी है ना हड्डी देखो, ये सामने सामने पड़ी है भाई। इधर गई थी वो चीज जो की थी, उसका रास्ता भी यही थी साहब। ये देखने दो, यहाँ पे भी रखी है, ये देख पुराने निशाने वगैरह, कोलगेट वगैरह यहाँ पड़ी है लोगों की, देख पुरानी पुरानी चीजें लाई हुई लोगों को लिखा था ना भाई, तो उसके साथ जो भी उसको उसकी चीजें होती है ना भाई वो साथ में लिखा था भाई। बोलो भाई, भाई बच्चे की आवाज आ रही है, शमशान में मतलब तू शमशान में पग रख रहा है भाई, शमशान में पीछा आगा आगा बच्चों की आवाज आ रही है, देख आराम से आराम से आराम, कौन बच्चों की आवाज आ रही है भाई तेरी कसम, इस तरफ जा रही थी वो चीज, ऊपर भाई ऊपर,
किसने बना रखा है? ये पानी के लिए बना रखी है भाई। हाँ भैया, तो आ रही है बच्चों की। ये तो अजीब सी आवाज आ रही है। इधर सामने चल। अरे 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 बंद करो। आराम से। देखिए, आपके बारे में मेरे को पता चला है। जैसे मेरे को पता चला है, मैं आया हूँ यहाँ पे। आप सभी को परेशान करते हो। इसके पीछे कहानी क्या, आप कुछ बताना चाहते हो? प्लीज बोलने दीजिए। हम आपके बारे में पता चला ना, इसलिए हम यहाँ पे आपके लिए आए। यहाँ पे लोगों कहना कि यहाँ पे कि आप कुछ बताना चाहते हो, प्लीज हमें ही बता सकते हो। वो चीजें सारी शेयर कर सकते हो। हम दोनों को भाई समझ सकते हो आप। ये नहीं कि इतनी रात को आपको परेशान करने के लिए यहाँ पर आए, माफी चाहते उसके लिए। बट भाई भाई नंदर, कुछ बता सकते, कुछ इशारा कर सकते, कुछ साइन दे सकते हो आप प्लीज? भाई इसके अचानक आने से पीछे रोशनी हो रही है बहुत गंदी वाली। भाई देख पीछे चल, पीछे चल। दिन में भी रोशनी दिख रही जैसे लग रही। भाई गुस्सा देख, उधर गुस्सा हो रही है देख। तेरी कसम भाई, पीछे कर, 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 आराम से अच्छी भी लग रही है। तो बोल रहा हूँ भाई, आज तो बहुत कांटे लग गए तेरे में भाई। यार सामने कर, सामने कर। ओरे भाई वो सामने देख, सामने नीचे बैठ, नीचे बैठ के देख। मैं तो चूम कर उसको, चूम कर भाई साहब। उसकी हाइट देख के है ना दोस्तों, यार मेरे को है ना भाई, क्या बोलूं इसके बारे में? आप प्लीज बता सकते हो आपके बारे में प्लीज? भैया आराम से आगे मत जाना। अंदर आगे ना भाई, आगे आगे आगे। देखिए आप प्लीज, बच्चा रो रहा भाई। मैं बता सकते हो आप? हाइट देख भाई, इसकी हाइट देख। कुछ बताइए प्लीज आप। देख बच्चों की आवाज आ रही, बैकग्राउंड के अंदर अजीब सी बच्चे रोने की आवाज आ रही। दोस्तों यार अगर किसी ने सुना है, एयरफोन लगा के अगर कोई देख रहा है ना वीडियो, उसको क्लियर आवाज आ रही होगी कि बैकग्राउंड की बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। वो कैसे जा रही है भाई? भाई कुछ गलत है भाई। पवन गलत है भाई, कोई हम जाए यहाँ से और आपको हानि पहुंचा रहे हो। हानि तो पहुंचा ही नहीं भाई अभी तक हमने, हानि पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं है भाई। बात हम तो कर, क्या चीज है भाई? बात ही तो कर रहे हैं, बात ही तो कर रहे हैं बस हम तो, और आपको परेशान कर रहे हैं हम। अगर हमारा आना आपको गलत लग रहा है, यहाँ पे बात करना गलत लग रहा है आपको, तो हम निकल जाए यहाँ से वापिस। ये दूर से यहाँ से भाई, लाइट से दूर जा रही है भाई, लाइट से दूर है ये, लाइट से, लाइट की वजह से बहुत ज्यादा दूर जा रही है, लाइट की वजह से ना। दोस्तों आप लोगों को क्या लगी ये चीज यार, इतनी हाइट और कुछ बताने के लिए जा रही है पीछे, या कुछ करने के लिए जा रही है भाई? आगे चले गए भाई एक बार वापिस। हाँ चले, कहीं पर गई
सकते हैं यहाँ पे भी। अड्डे देख कितने गहरे हैं। देखिए हम आपके पीछे भी नहीं आएंगे, प्लीज आप बता सकते हो आप प्लीज। कुछ आ रही है या तो दोस्तों या कुछ तो, या तो कुछ बताना चाहती है ये चीज और या फिर कुछ करना चाह रही है ये चीज। यार मैं भाग भी नहीं सकता नींद, अगर कुछ हो गया ना भाई हमला करने के लिए आ गई ना भाई भाग भी नहीं सकता यहाँ से। मैं कुछ हानि पहुंच सकती है भाई हमारे को, कुछ भी हो सकता है भाई। पीछे चल, पीछे चल अभी के लिए, आराम से आराम से इधर मैं तेरी तरफ। अरे यार देख वो तो वो पास में आ गई, देख वो देख भाई की है पीछे का। आ रही आ रही आ रही पास में आ रही भैया, देख जल्दी। बूढ़ा आदमी सही बोल रहा था यार, वो आदमी सही बोल रहा था भाई, प्रेत आत्मा है या कुछ क्या है, दूर ही है बिल्कुल हमसे। चुप 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 जूम कर उस चीज को, उस चीज को जूम कर दो। ये कैसे कैसे दिख रही है भैया, क्या कर रही है वो शमशान के अंदर, वो शमशान के सारे दोस्तों अभी तक पता नहीं लग पाए शमशान है कहाँ पे आखिर, मेरे को पता नहीं बट वो शमशान से चार वो आगा नहीं मिनट अंदर आगा खा रही है वो शमशान के हड्डी खा रही है भाई, हड्डी खा रही है, देख हड्डी ढूंढ ढूंढ के खा रही है भाई, हड्डी हड्डी खा रही है भाई, वो वही तो बोल रहा हूँ, हड्डी खा रही है भाई, झूम ओ भाई साहब भाई हड्डी खा रही है नींद भाई हड्डी, और भाई भाई साहब गुस्से में होगी वो नींद, उसका रूप देख उसका रूप अलग ही हो रहा है, ये कुछ कुछ कर रही है भाई। कुछ कर रही है भैया, कुछ ना कुछ तो करने वाले वाली है वो।